फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेस ग्रेट आइडिया में। और आज हम एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं। ये निविया सॉफ्ट की जो लाइट कंप्लीट क्रीम है और ये है जॉय का स्किन फ्रूट्स मॉइस्चराइजर। तो दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये जो निविया सॉफ्ट की जो लाइट कंप्लीट ये क्रीम है, ये सच में ही लाइट मॉइस्चराइजर देती है। बहुत हैवी आपको फील नहीं होता है इसको लगाने के बाद, एकदम बटरी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। दिखने में ये क्रीमी लगती है, लेकिन इसकी जब लगाने पर फील होता है कि बहुत ही बटरी इसकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी आती है। जो दिखने में तो बिल्कुल ही क्रीम बेस लग रही है ये, लेकिन ये बिल्कुल ही बटरी होती है। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से ये ईजिली ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन पर। लगाने पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने कुछ जेल टाइप लगाया है, और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, और बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है ये। ये सच में ही बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है, बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं है। तो अगर आप इसको विंटर में यूज़ करोगे, स्पेशली ड्राई स्किन वाले, तो उनको तो बार बार ही इस क्रीम को लगाना पड़ेगा विंटर में, क्योंकि एक बार में आपको ये प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ नहीं करेगी आपकी स्किन को। अगर आप ड्राई स्किन वाले इसको समर में यूज़ करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छी आपको समर में ये मॉइस्चराइज देगी, ना ज़्यादा हैवी, लाइट मॉइस्चराइज आपकी स्किन को करेगी ये। तो नॉर्मल स्किन वाले इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले इसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगी ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। और ये है जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, इसीलिए ये क्रीम जो है बहुत हैवी है। ये देखिए, आप इसको ऑयली स्किन वाले तो गर्मियों में इसको बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, गर्मियों में ये थोड़ी हैवी लगेगी आपको। और विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है ये, विंटर्स में बहुत ही ईजिली आपकी स्किन पे ये ब्लेंड हो जाती है और अब्जर्ब भी हो जाती है स्किन में, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग बनाए रखती है ये क्रीम। बार इसको लगाने के बाद बार बार आपको मॉइस्चराइज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इसके ऊपर मैंने, इन दोनों क्रीम्स के ऊपर मैंने रिव्यू भी बनाया हुआ है, उसमें आप इन दोनों की फुल डिटेल देख सकते हैं। और लास्ट जो इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, वो ये है कि ये क्रीम आपको 90 रुपये में, ये क्रीम 56 रुपये में आपको 50 ml मिलती है। तो दोनों में ये एक कंपैरिजन देखा जाए तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, कि ये 90 रुपये में आपको 50 ml मिल रही है, और ये 56 रुपये में आपको 50 ml मिल रही है। तो ये बजट फ्रेंडली तो है ही, लेकिन इन दोनों को मतलब आप एक ही सीज़न में यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत हैवी है, और ये सच में ही लाइट क्रीम है, और बहुत ही अच्छी है दोनों ही क्रीम है। मैं इसको विंटर में यूज़ करती हूँ, और मैं इसको समर में यूज़ करती हूँ। दोनों ओकेजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ऑयली स्किन वाले इसको गर्मियों में बिल्कुल भी ना लगाएं, वरना आपको पिंपल्स वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्किन फ्रूट्स और निविया की सॉफ्ट क्रीम के ऊपर कंपैरिजन वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट हॉनेस्टली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।